हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पूरे 400 रुपए का नेट आप कैशबैक कमा सकते हैं। बहुत ही आसान कैंपेन है, बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिए। ये कैंपेन केवल आज के लिए वैलिड है, तो आपके पास लिमिटेड पीरियड है। इसका फायदा उठा के पूरे 400 रुपए का कैशबैक कमा लीजिए। आप मल्टीपल टाइम्स भी ये 400 रुपए के कैशबैक कमा सकते हैं। बहुत ही ईजी है। इस कैंपेन के बारे में 2 दिन पहले भी मैंने बताया था। अगर आपने उस समय भी इस कैंपेन का फायदा उठाया है तो आप लोग भी 240 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक कमा सकते हैं। और जिन्होंने अब तक इस कैंपेन को अप्लाई नहीं किया वो पूरे 400 रुपए का नेट कैशबैक कमा सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बिल्कुल लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ये 400 रुपए का कैशबैक आपको आज ही मिलेगा, तो इससे पहले कैंपेन एक्सपायर हो जाए फटाफट 400 रुपए का कैशबैक कमा लीजिए। चलिए आपको बताते हैं क्या करना है, क्या कैंपेन है, किस तरह से 400 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल जाए। और अब तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल पे, अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हर तरह के लूट ऑफर्स, अर्निंग कैंपेन, शॉपिंग डील ऑफर्स वहाँ पे मिलती है। अच्छा बेनिफिट आप वहाँ से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो से काफ़ी लोगों ने पूरे 160 रुपए का कैशबैक कमाया है। तो अगर आपने इस कैंपेन को अप्लाई किया था तो आज वाले इस वीडियो के कैंपेन को अप्लाई करके आप और एक्स्ट्रा 240 रुपए का कैशबैक कमा सकते हैं। और अगर आपने ये कैंपेन अप्लाई नहीं किया था तो इस वीडियो से इस कैंपेन को अप्लाई कीजिए, पूरे 400 का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, साथ ही इस कैंपेन की पूरी डिटेल्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्या आपको करना है, कैसे इसे अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप कैंपेन के इस पेज पे आ जाएंगे। ये दोस्तों एमस्टॉक का कैंपेन है। यहाँ पे एमस्टॉक अकाउंट आपको ओपन करना है और केवल 50 रुपए एमस्टॉक अकाउंट में ऐड करके कोई भी 50 रुपए तक का स्टॉक बाय करना है, आपको 400 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ये कैंपेन अभी 2 दिन पहले भी मैंने अपलोड किया था, जहाँ पे आपको केवल अकाउंट ओपन करना था, 160 रुपए का आपको कैशबैक मिल रहा था। तो अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो आप 50 रुपए अकाउंट में ऐड करके कोई भी स्टॉक 50 रुपए का बाय सेल कर लीजिए, आपको और 240 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये कैंपेन अप्लाई नहीं किया है तो आप अपना UPI एड्रेस यहाँ पर एंटर कीजिए, जिसमें आपको 400 रुपए का कैशबैक लेना है। मैं रोबोट नहीं हूँ, इस कैप्चा पे क्लिक कीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप एमस्टॉक के इस पेज पे आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको एमस्टॉक का ये अकाउंट ओपन करना है। सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पे आपको दोस्तों अकाउंट तो ओपन करना ही है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देके EKYC करनी होगी, सिग्नेचर करना होगा, सेल्फी लेनी होगी। साथ ही ये 400 रुपए का कैशबैक लेने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद एमस्टॉक अकाउंट में लॉगिन करना है और 50 रुपए ऐड करके कोई भी स्टॉक बाय सेल कर देना है। वो 50 रुपए भी आप बाद में बैंक अकाउंट में ले पाएंगे और 24 घंटे के भीतर में आपको 400 का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से आपको अकाउंट ओपन करना है, किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है, सभी कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और सिंपल सा ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP आपको फिल करना है। फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एसेंड करते जाएगा, स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एसेंड करते जाएगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है और सिंपल सा कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके ईमेल पे OTP आएगा, OTP फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे एसेंड करते जाएगा, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है। जैसे आप फिल करते हैं प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है वो वेरीफाई हो जाता है। पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है आपको फिल करना है और सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका नाम शो करेगा और जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड पे, अगर डिटेल सही है सिंपल से कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रोकरेज प्लान सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आई प्रीफर द 20 ब्रोकरेज ऑर्डर अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एसेंड करने जाएगा, तो यहाँ पे आपको नो आई विल पे AMC पोर्टल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एसेंड करने जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है आपको 0 पे करना होगा, पे नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसेंड करने जाएगा, यहाँ पे आपको आगे आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है और यहाँ पे आपको लोकेशन और कैमरा अलाउ करना होता है। जैसे आप अलाउ करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करने के लिए कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, ओपन कैमरा पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कैमरा ओपन होकर आएगा, आपको नेगेटिव क्लीन सेल्फी को कैप्चर करना है और सिंपल सा अपलोड करना है। कंफर्म पर क्लिक करना है, कंफर्म पर क्लिक करते हैं यहाँ पे एसेंड करते जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है जैसे आप साइन करते हो वैसे यहाँ पे आपको फिंगर से साइन करना है और साइन आपको सेम टू सेम ही करना है और सिंपल सा प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करते हैं सिंपल सा कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना जो बैंक का नेम है सिलेक्ट करना है, सर्च कर लेना है, जैसे आप सर्च करते हो सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक का आईएफएससी कोड फिल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपका ब्रांच का नेम आ जाता है सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है फिल करना होता है और वेरीफाई पे क्लिक करना है, उस सेकंड के लिए वेट करना है, आपका जो बैंक अकाउंट होता है वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना होता है, तो यहाँ पे आपका जेंडर क्या है आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका आप सिंगल हो या मैरिड हो सेलेक्ट कर लेना है, आपका फादर का नाम क्या है फिल कर लेना है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एनुअल इनकम पूछा जाता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है जिसको आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप करते क्या हो, अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्टूडेंट हो जॉब करते हो, सेलेक्ट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, तो अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो सिंपल आपको नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करने के बोला जाता है, तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस करना, मैं तो नहीं करना चाहूंगा, नो पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से पूछा जा रहा है क्या आप फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपका ई साइन होता है, सिंपल से क्लिक किया तो ई साइन पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एनएसपीएल का पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है, और सेंड ओटीपी क्लिक करना है, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल करना होता है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और आपको वेट करना है 3 to 5 वीक वेट करना है, उसके अंदर भी अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको जो वेट करने जो टाइम दिया गया है वो 4 to 5 दिन का, इसके अंदर आपका अकाउंट ओपन इंस्टॉल करना है, और ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, अपने अकाउंट को आपको लॉग इन करना होता है, लॉग इन करने के लिए आपका जो यूजर आईडी होता है वो आपको मेल या मैसेज से आता है जो कि एमए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड फॉरगेट करना होगा, पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए सिंपली फॉरगेट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट कोड एंटर करना है जो कि मेल या मैसेज आया होगा, आप चेक कर लेना, और अपने अकाउंट ओपन करने के टाइम जो भी ईमेल आईडी यूज किया है यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, सिंपली सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ओटीपी एंटर करना है, एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना है, यहाँ पे कंफर्म एंटर करना है, और यहाँ पे सिंपली सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट को आप लॉगिन कर पाओगे, तो लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आइए दिखाते हैं, आप अकाउंट को ओपन करो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो देखो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए फंड को ऐड करना होता है, ठीक है, तो फंड ऐड आप कितना चाहे मतलब तो आप जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहे कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए मैं ऐड करूंगा 20 या 50 जो भी ऐड करना चाहे आप कर सकते हो, ठीक है, तो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो ऐड फंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसे सिंपली क्लिक करना होता है, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तो मेरा फंड बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको 7.5 नहीं दिख रहा है, पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन है यूपीआई के थ्रू नेट बैंक के थ्रू अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 20 रुपीज, ठीक है, इंटर कर लिया यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट करना चाहे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं करूँगा 20 रुपीज, यहाँ पे ऐड फंड पर क्लिक करते हैं, ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पेमेंट का पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, तो मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे देखो फोन पे ऑप्शन है पेटीएम ऑप्शन है, मैं यूपीआई थ्रू करना चाहूंगा क्योंकि अदर फोन है मेरा फोन सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना यूपीआई मैं इंटर करूंगा, ठीक है, इंटर करने का पे नाउ पर क्लिक करता हूँ, मेरा पेमेंट का रिक्वेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे पर क्लिक करता हूँ, मेरा फोन में पेमेंट का रिक्वेस्ट चेक करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से पेमेंट कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है, पेमेंट करना सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है, 20 रुपीज मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे पेमेंट ऐड हो गया 20 रुपीज सक्सेसफुली, ठीक है, मेरा फंड देखो यहाँ पे जो बैलेंस था, ठीक है, अभी देखो 27 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 27 बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपडेट करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको स्टॉक सर्च करना होगा, यानी कि परचेस करना होगा, तो कैसे करोगे, सिंपली देखो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पे नीचे सर्च का, ठीक है, तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है या फिर वर्सेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, सिंपली करना क्या होगा, सर्च वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको स्टॉक सर्च करना है, तो कौन सा स्टॉक सर्च कर सकते हो, जो 20 रुपीज के अंदर परचेस हो सकता है, तो मल्टीपल स्टॉक है, ठीक है, पहले तो स्टॉक है आपका जैसे क्या आप कर सकते हो जेपी पावर, तो जेपी पावर है यहाँ पे जेपी पावर पहला आ गया, ठीक है, इसको आप परचेस कर सकते हो, जेपी पावर 5 देते हैं, इसका प्राइस है 8.45, ठीक है, तो 20 रुपीज के अंदर 200 परचेस हो जाएगा, या फिर आप आइडिया कर सकते हो, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा आइडिया, ठीक है, तो यहाँ पे आइडिया पहला ऑप्शन आ गया, ये वाला आइडिया इसको भी आप परचेस कर सकते हो, इसका प्राइस कितना देते हैं, इसका क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसका प्राइस है 9.80, ठीक है, इसको भी परचेस कर सकते हो, या तो फिर आप विकास लाइव केयर कर सकते हो, विकास लाइव केयर, फिर यहाँ पे विकास आ गया लाइव है ना, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर आ गया विकास, इसका क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको सिंपली टिक कर लेना अगर टिक नहीं है तो, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी इंटर करना है जितना भी क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो, तो मैं करूँगा यहाँ पर 2 क्वांटिटी 2 मैंने कर दिया है, और सिंपली यहाँ पे जो बाय वाला ऑप्शन दिख रहा है बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और क्लिक जाके करते हैं यहाँ पे सिंपली आपको करना चाहिए यस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करने के बाद देखो मेरा ऑर्डर है सक्सेसफुली परचेस। तो वीडियो में दोस्तों आपको 20 रुपए का स्टॉक परचेस करके बताया गया है, लेकिन आपको 50 रुपए प्लस का यहाँ पे स्टॉक बाय करना है, 50 प्लस अपने आप ऐड कर लीजिएगा जो प्रोसेस वीडियो में दिखाया गया है, और कोई भी जो वीडियो में स्टॉक दिखाया गया है वो स्टॉक सर्च करके 50 रुपए प्लस का आपको बाय कर लेना है, बस 24 आवर्स में आपको 400 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, और जिन्होंने पहले से अकाउंट ओपन कर रखा है 2 दिन पहले जो मेरे वीडियो देख के अकाउंट ओपन किया था वो भी 50 रुपए ऐड करके
कोई भी स्टॉक बाय कर लीजिए, आपको 240 का एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिए। ये 400 वाला ऑफर तो केवल आज ही के लिए है, फ्री की 400 की कमाई हो जाएगी। जो 50 का आप स्टॉक बाय करेंगे उसे भी आप बाद में सेल करके निकाल सकते हैं। फटाफट जाइए और इस ऑफर को लूट लीजिए। आज तक तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो को एक लाइक करना ना भूले।